हे गाइस, आई एम साक्षी गोस्वामी। वेलकम बैक टू आपका अपना चैनल बैंकिंग एस्पायरेंट चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे और तैयारी कर रहे होंगे। हम लोग का SBI क्लर्क प्री की टू डू लिस्ट चल रही है, जो कि हमारी 50 डेज की स्ट्रेटेजी है। Day-28 पर हम लोग पहुँच चुके हैं। लेकिन गाइज, मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहूँगी। थोड़ी सी आप लोगों की मुझे एक्टिविटी समझ नहीं आ रही है। मुझे धीरे धीरे दिख रहा है कि आप लोग पढ़ाई छोड़ रहे हैं, आप लोग टू डू लिस्ट को फॉलो नहीं कर रहे हैं। या तो अगर आप लोगों को कुछ इसमें प्रॉब्लम लग रही है तो आप मुझसे डेफिनेटली बेझिझक बोल सकते हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों से बोला भी है कि आप लोग मुझे कमेंट कर दिया करो। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, हर जगह आप लोग मुझसे कनेक्ट रह सकते हो, मैंने आप लोगों को बोला है। लेकिन अगर आप लोग अपने आलस की वजह से या किसी और कारणों की वजह से पढ़ाई छोड़ रहे हो, तो गाइज आप लोग भूल जाओ कि पेपर निकलने वाला है। बिकॉज कंटिन्यू हम लोगों को किसी काम को करना बहुत ज़रूरी होता है। और हम लोगों को अगर गवर्नमेंट जॉब चाहिए ना, गवर्नमेंट जॉब का सपना सोच के बैठे हो, तो भूल जाओ कि अगर आप लोग लापरवाही करोगे तो पेपर निकलेगा। पहली बात तो ये। आज का मैंने कोई मोटिवेशनल कोट नहीं रखा है। क्यों? क्योंकि मैं आप लोगों को यही बोलना चाहती हूँ, यही एक इससे ही सीख जाओ जो मैं बोलना चाह रही हूँ। बहुत लोग हैं जो तीन तीन चार चार सालों से तैयारी में लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक एग्ज़ाम नहीं निकले हैं। क्यों? क्योंकि करते हैं छोड़ देते हैं, करते हैं छोड़ देते हैं। प्रॉपर छोड़ना नहीं छोड़ने को कहते हैं, छोड़ना उसे भी कहते हैं कि आप कंटिन्यू किसी चीज़ को नहीं कर रहे हो। अब कोई बहुत ज़्यादा बीमार है, किसी के घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो अलग बात है। लेकिन अगर आप लोग आलस में छोड़ रहे हो चीज़ें, तो मत छोड़ो, करो इसको। एंड डे तक देखो, आप लोगों का एग्ज़ाम ज़रूर निकलेगा। जैसा मैं बता रही हूँ, अगर इतना आप लोगों ने कर लिया तो एक्स्ट्रा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। स्टार्ट करते हैं आज का। आप लोगों को 5:30 बजे से लेकर 7:30 बजे के बीच में मॉर्निंग में क्वांट चलता है हमारा। प्रोबेबिलिटी का एक कल का डे हो चुका है, आज डे सेकंड है। इसके जो भी क्वेश्चन आपके छूट रहे हैं, जो नहीं समझ में आ रहे हैं, उसे आपको आज करने हैं। पाइप एंड सिस्टम बेस्ड DI दी है मैंने, क्योंकि मैं ये चैप्टर करवा चुकी हूँ और इस पर हम लोगों की DI देखने के लिए मिलती है, प्रीलिम्स में भी, मेन्स में भी। तो आप लोगों को इसको अमर सर के वीडियो से करना है, वहाँ पर काफ़ी बेसिक से सर ने समझाया है, तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन जो 3 सेट करने हैं, ये खुद से ढूंढ के करने हैं। आप लोग गूगल से सर्च कर सकते हैं, आपके पास ऑलरेडी मॉक है वहाँ से कर सकते हैं। अदरवाइज गाइडली का बंडल PDF के लिए मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि प्रैक्टिस के लिए वो बेस्ट है, आप लोग वहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट, आप लोगों को 9 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में क्या करना है? न्यूज़पेपर रीडिंग। गाइज मस्ट है न्यूज़पेपर रीडिंग करना, क्योंकि आप लोगों को खुद धीरे धीरे इंप्रूवमेंट दिखने लगेगा। जिसको नहीं पता है कि कैसे रीडिंग करनी है न्यूज़पेपर की, जो हमारे चैनल पर नए जुड़ रहे हैं, मैं उनको ये बोलूँगी कि मैं ऑलरेडी एक ऐसा वीडियो बना चुकी हूँ कि आप लोगों को कैसे पढ़ना है, और उस पर बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो उसको देख लो और न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करो कि द हिंदू को आपको पढ़ना कैसे है। जिनके आता है वेल एंड गुड, जिनके नहीं आता है तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर PDF एवरी मॉर्निंग इसका देती हूँ, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कीजिए, पढ़िए। पढ़ते टाइम पे आप जो भी आर्टिकल पढ़ रहे हैं, उसमें आपको जो भी वर्ड्स की प्रॉब्लम हो रही है कि समझ में नहीं आ रहे हैं, पेन पेपर लेके बैठना है गाइस, वो वर्ड नोट करने हैं, उसका हिंदी मीनिंग लिखना है, साइनो एंटो लिखने हैं, और उस वर्ड्स को रिलेट करते हुए एक आध सेंटेंस बनाने हैं, जिससे आप लोगों को वो वर्ड हमेशा के लिए याद हो जाए, याद रहने लगे। ओके, 11:30 बजे से लेकर 12:30 बजे के बीच में करंट अफेयर्स का वीडियो देखना है आपने। ये क्यों? क्योंकि हम लोगों को मेंस भी निकालना है, सिर्फ प्री हमारा फोकस नहीं है। मैं चाहती तो इसको 50 दिन के बाद भी शुरू करवा सकती थी, लेकिन मैं आप लोगों को प्री में ही ये सब करवा रही हूँ। क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम निकालना है गाइस। Adda247 यूट्यूब चैनल पर आशीष गौतम सर कराते हैं करंट अफेयर्स का, काफ़ी अच्छा रहता है। लेकिन मैं ये बोलूँगी कि अगर आप पहले से किसी का देख रहे हैं, जैसा कि आप लोग मुझे कमेंट करते हैं मैम ऐसा मैम वैसा, तो मैं ये नहीं बोल रही कि आप लोग उनका छोड़िए, जहाँ देख रहे हैं आप लोग देखिए, बस करंट अफेयर आप लोगों को डेली बेसिस पर करना ही करना है। 2 बजे से लेकर 3:15 बजे के बीच में हम लोगों का रीजनिंग चलता है, रिवर्स लॉग्स। अब ये क्यों? क्योंकि मैं लॉग्स तो करा चुकी हूँ, तो आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि अब ये क्या है। तो गाइज ये है हम लोगों का जो मेंस में देखने के लिए मिलता है। अगर आप लोगों की बेसिक पे प्रैक्टिस हो गई है, तो अब आप लोगों को रिवर्स वाले सीखने चाहिए। ये कहाँ से सीखने? आपको अंकुश लामा सर के वीडियो से कर सकते हो, सचिन मोदी सर के वीडियो से कर सकते हो। अब ये करने का क्या बेनिफिट है? आप लोगों का प्री में तो नहीं आएगा, डेफिनेटली नहीं आया है, क्योंकि अभी तक तो नहीं देखने के लिए मिला है, लेकिन मेंस में आप लोगों को हेल्प होगी और धीरे धीरे हमें मेंस की तैयारी भी अपनी स्टार्ट करनी है। नेक्स्ट, पज़ल करनी है आपको, फ्लोर बेस्ड पज़ल, फ्लैट बेस्ड पज़ल आप लोगों को ये करनी है। लेकिन आप आज आप सिंगल वेरिएबल वाली नहीं करेंगे, डबल वेरिएबल वाली करेंगे। ओके,
इसके भी 3 सेट आप लोगों को प्रैक्टिस करने हैं आज एट एनी कॉस्ट, और ये खुद से ढूंढ के करने हैं। अब खुद से ढूंढने के लिए बहुत लोगों में से आपने में से गाइडली ले चुके हैं, जिन्होंने नहीं लिया है मैं यही बोल रही हूँ कि अगर आपने अभी तक कुछ नहीं लिया है और कुछ बेहतर लेने का मन है गाइस, तो गाइडली का बंडल पीडीएफ आप लोग ले सकते हो। ये नहीं है कि उसमें 50 डेज का मैं बोलती हूँ तो 50 डेज का ही है, ऐसा नहीं है। हर एग्जाम के लिए, जो भी आपका SBI PO क्लर्क हो गया, IBPS PO क्लर्क हो गया, RRB PO क्लर्क हो गया, आपके इंश्योरेंस रिलेटेड एग्जाम हो गया, LIC का हो गया, वो आपको सब इसमें कवर होगा ईयरली में, और काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पर है, आप लोग बिल्कुल अफोर्ड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगी, मेरा कूपन कोड लगाएंगे आप लोग तो 12% एक्स्ट्रा डिस्काउंट आप लोगों को और मिल जाएगा, तो और आप लोगों का प्राइस अफोर्डेबल हो जाएगा। इसमें क्या आप लोगों को बेनिफिट है कि आप लोग मान लीजिए क्वेश्चन कर रहे हैं, आप लोग अटक गए, नहीं समझ में आया, तो आप लोग वीडियो सॉल्यूशन तुरंत देख सकते हैं। वीडियो सॉल्यूशन देखने से हम लोगों को क्या हेल्प हो जाती है कि समझ में आता है कि हम लोग कहाँ गलती कर रहे हैं। बाइलिंगुअल है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम बहुत बच्चों को ये आती है कि मैम हिंदी में है या नहीं है, तो गाइज हिंदी में भी है, टेंशन वाली बात नहीं है, आप लोग उसको ले सकते हो। आज आप लोगों को 20-20 मिनट के सेक्शनल टेस्ट करना है 3:15 बजे से लेकर 4:15 बजे के बीच में। मॉक टेस्ट नहीं दिया है मैंने, क्यों सेक्शनल, क्योंकि हम लोगों को अपनी स्पीड भी साथ साथ इंक्रीज करनी है, वो सेक्शनल भी आप यहाँ से कर सकते हो। क्यों, क्योंकि PDF बने हुए हैं, तो PDF से आप लोगों को टाइमर लगा के बैठना है और उसको करना है, तो टाइमर से हम लोगों को हेल्प हो जाती है कि किस क्वेश्चन पे, किस पजल पे, किस सिटिंग अरेंजमेंट पे हम कितना टाइम दे रहे हैं। ओके, तो ये आप लोगों का क्वांट, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश आप लोगों का सब कवर करेगा। ओके, नेक्स्ट हम लोगों को एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, जो भी हम लोग देते हैं, चाहे वो मॉक हो गया, चाहे सेक्शनल टेस्ट हो गए, तो आप लोगों को 45 मिनट एनालिसिस में देना है। 5:30 बजे से लेकर 6:30 बजे के बीच में आप लोगों को इंग्लिश का रहता है। इंग्लिश में आप लोगों का क्या है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है आज। अब रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को कैसे करना है, एक आप लोगों को प्री का करना है, प्री लेवल का, और 2 आप लोगों को आज मेंस लेवल के करने हैं, क्योंकि ये हमारा काफ़ी मार्क्स कैरी करता है, इसलिए हम लोगों को इस पर प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। ये भी आप लोगों को यहाँ से मिल जाएगा। पैरा जंबल्स करने हैं और राइट शॉर्ट पैराग्राफ ऑन करंट इशू। कल मैंने क्या करा था कि आप लोगों की लाइफ पर लिखने के लिए कहा था, आप लोग वो भी कर सकते हैं, लेकिन मैं बोलूँगी कि आप लोग छोटे छोटे पैराग्राफ्स में एक पेज आप लोग लीजिए, उस पर आप जितना अपने मन से, जितना आप लोग वॉकअप सीख रहे हैं उसको रिलेट करते हुए जितना अच्छे से लिख पाएंगे, वो आपको डिस्क्रिप्टिव में बहुत हेल्प करेगा। SBI क्लर्क में आप लोगों का डिस्क्रिप्टिव नहीं आता है, मैं क्लियर कर दूँ, बट PO में आप लोगों को देखने के लिए डेफिनेटली मिलने वाला है। 7:00 बजे से लेकर 8:00 बजे के बीच में वॉकअप का रिवीजन। वॉकअप रिवीजन क्या है, जो मॉर्निंग में आप लोगों ने वर्ड कलेक्शन किया था उसको रिवाइज करना है, प्रीवियस डे में जो किए हैं उनको रिवाइज करना है, और एडिटोरियल का वीडियो देखना है। एडिटोरियल का वीडियो देखने से आप लोगों को चीज़ें और बेहतर तरीके से समझ में आने लगेंगी। निमिषा बंसल मैम के चैनल पर जाके देख लीजिए, काफ़ी अच्छे तरीके से मैम पढ़ाती हैं। 9:00 बजे से लेकर 10:30 बजे के बीच में करंट अफेयर के क्विजेस करने हैं। क्विजेस करने से क्या फ़ायदा होने वाला है आप लोगों को, कि आप लोग एक बार करंट अफेयर का वीडियो देख चुके हैं, एक बार न्यूज़पेपर पढ़ चुके हैं, और आप क्विजेस कर लेंगे तो आप लोगों का एक दिन का करंट अफेयर के लिए इतना इनफ है। अडर 247 के ऐप से कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पे अच्छे लेवल का मिल जाता है। और आप लोगों को क्या करना है कि प्रीवियस मंथ के जो करंट अफेयर हैं उनको रिवाइज करते चलना है गाइस, क्योंकि मेंस से डेट से आप लोग 6 मंथ पहले तक का रख लीजिए कि आप लोगों को एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। तो ये रही आपकी Day-28 की टू डू लिस्ट, होप आप लोगों को समझ में आ गई हो। और आप लोग जो भी लापरवाही कर रहे हैं मत कीजिए, पढ़ाई कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम आएगा, एग्ज़ाम होंगे, और आप लोगों को दिख भी रहा होगा। कल मैंने अपने चैनल पर एक मोस्ट रिसेंट अभी वैकेंसी देखने के लिए मिली है BNP में, आप उसको देखिए वीडियो को। तो गाइज मोटिवेटेड रहिए और पढ़िए, ओके, ये टाइम भी निकल जाएगा, लेकिन हम लोगों को जॉब लेना बहुत ज़रूरी है। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आप लोगों को ऐसे वीडियोस मिलते रहें, और प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर किया कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में।